दोस्तों जामिया मिल्लिया इस्लामिया के दो एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं। इस दो एडमिशन फॉर्म के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ साथ पीएचडी के लिए भी बहुत अच्छी खबर है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। तो दोस्तों अच्छी खबर देखने के लिए आप लोग टीवीआईटी देखते हैं। आप लोग जितने भी टीवीआईटी को सपोर्ट करते हैं, मैं आपके लिए दिल से दुआ करता हूं कि आप लोग जहां भी रहें, जैसे भी रहें, खुश रहें। तो दोस्तों देखिए, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो मुझे एक ड्यूटी बनती है कि आपको भी सपोर्ट करना है। तो दोस्तों जामिया मिल्लिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सारे का अभी एडमिशन्स के बहुत अच्छे अच्छे और भी वीडियोस आने वाले हैं, और आपको कुछ सुझाव है कि किस टाइप का वीडियो आए, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दो एडमिशन के फॉर्म फटाफट आ चुके हैं। उससे पहले जामिया का रैंकिंग डे बाई डे बढ़ रही है, चाहे NIRF सरकारी डेटा हो या द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग या QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग या RUR रैंकिंग या प्राइवेट रैंकिंग या सरकारी रैंकिंग या इंटरनेशनल रैंकिंग, सारे रैंकिंग में जामिया मिल्लिया इस्लामिया ऊपर ही जा रहा है, यानी बेहतर से बेहतर होते जा रहा है। जिससे क्या हो रहा है कि जामिया का इमेज, परसेप्शन, जामिया के ब्रांड बढ़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जामिया में पढ़ने वाले छात्रों का करियर और भी उज्जवल होता जा रहा है और भी अच्छा होता जा रहा है। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में PhD के फॉर्म निकल गए हैं, 15 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो बहुत खुशी की बात है कि ये जो फॉर्म निकलना था ये थोड़ा लेट होता है, क्योंकि UG PG का जब तक एडमिशन का पूरा मामला ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक कि PhD का फॉर्म नहीं निकलता। तो PhD का फॉर्म निकल गया है, 15 नवंबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी प्रोस्पेक्टस जो है इसमें सारे डिटेल दे रखा है जो 2023 के 24 के सेशन वाले हैं। तो PhD वालों प्रोस्पेक्टस को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। बहुत सारे ऐसे आपको टेस्ट होते हैं, जैसे नेट होता है, JRF होता है, जिसके क्वालिफाई करने के बाद आपको जामिया का PhD का टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो इसीलिए पूरा जो ऑर्डिनेंस है, पूरा जो रूल है, उसको ज़रूर प्रोस्पेक्टस में पढ़ लीजिएगा, प्रोस्पेक्टस ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। एक और भी फॉर्म निकला हुआ था जो कि सिर्फ जामिया के रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए और परमानेंट एम्प्लॉइज जामिया के लिए, सर्टिफिकेट डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा ये जो लैंग्वेज प्रोग्राम्स है, इसकी भी लास्ट डेट 3 नवंबर तक है। तो ये भी अभी डेट बचा हुआ है। इसमें बहुत सारे 14 कोर्सेज हैं जो कि जामिया में रेगुलर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और जामिया में जो जॉब कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो PhD का फॉर्म निकला हुआ है और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का फॉर्म निकला हुआ है। जामिया का जो डेटा है वो डे बाय डे तरक्की कर रहा है। अप्लाई करने के लिए लिंक यहाँ है। BEd का थर्ड लिस्ट भी आ चुकी है। 2024 के बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आगे बनाने वाला हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे अभी भी नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे किस टाइप के वीडियो आप देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।